हकायक का वजूद खत्म नहीं होता क्योंकि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुम सच को जान लोगे और सच्चाई तुम्हें दीवाना कर देगी। अगर कोई मुख्तलिफ है तो वो तन्हा रहने का पाबंद है। मैं जानना चाहता हूं कि जज्बा क्या है। मैं कुछ शिद्दत से महसूस करना चाहता हूं। मैं दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन मैंने महसूस किया है कि सिर्फ एक ही चीज जिसको तब्दील करने का यकीन हो सकता है, वो खुद है। लोग तारीख के असबाक से बहुत ज्यादा नहीं सीखते हैं। उन तमाम असबाक में सबसे अहम है जो तारीख को सिखाना है। ज्यादातर इंसानों में चीजों को मामूली समझने की तकरीबन लामहदूद सलाहियत होती है। ज्यादातर मर्द और औरतें बड़े होकर अपनी गुलामी को पसंद करेंगे और कभी इंकलाब का ख्वाब नहीं देखेंगे। मुस्तकिल मिजाजी फितरत के खिलाफ है, जिंदगी के खिलाफ है। सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुताबकत रखने वाले लोग ही मुर्दा हैं। इनफरादी इस्तेहकाम के बगैर समाजी इस्तेहकाम नहीं। जो कुछ होता है उसका कुछ मतलब होता है। आप जो कुछ भी करते हैं वो कभी भी मामूली नहीं होता। सच्चाई अजीम है, लेकिन अमली नुक्ते नजर से सच्चाई के बारे में खामोशी उससे भी बड़ी है। जुबान के बावजूद, जहानत और वजदान और हमदर्दी के बावजूद कोई शख्स कभी भी किसी से कोई बात नहीं कर सकता। ये कदरे शर्मनाक है कि 45 साल की तहकीक और मुताले के बाद मैं लोगों को जो बेहतरीन मशवरा दे सकता हूँ वो है एक दूसरे के साथ थोड़ा मेहरबान होना। हम अपनी बुनियादी गैर माकूलियत से खुद को अलग नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि माकूल तरीके से गैर माकूल होने का फन सीखें। आजादियां दी नहीं जाती, ली जाती हैं। ऐसा बर्ताव करने की कोशिश ना करें जैसे आप बुनियादी तौर पर समझदार और फितरी तौर पर अच्छे थे। हम सब एक ही कायनाती कश्ती में पागल गुनहगार हैं और कश्ती हमेशा डूब रही है।